नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। माँ के डांट पर घर से भागा बालक, $11 सहित 2 लाख की हुई चोरी। MIDC में किशोरी हुई लापता। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। माँ के डांट पर घर से भागा बालक। नागपुर में मोबाइल गिरने पर मां ने जब फटकार लगाई तो गुस्सा आए बालक छात्र ने घर से भाग निकला। यह घटना 10 जुलाई को पाईडी में हुई। 11 वर्षीय नाबालिग 5वीं कक्षा का छात्र है, वह मोबाइल देख रहा था। मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इस पर मां ने उसे फटकार लगाई। आहत होकर बालक घर से चला गया। पाईडी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और साथ ही नाबालिग की खोज आरम्भ की। इसी के साथ जाँच अभी भी चल रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। $1100 सहित 2 लाख की हुई चोरी। नागपुर में सेवानिवृत्ति बैंक कर्मी के घर से $11 सहित 2 लाख की चोरी हो गई। यह वारदात दीनदयाल नगर की धर्मपेट हाउसिंग सोसाइटी में हुई। 71 वर्षीय अरविंद नागले सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी है। वह 5 जुलाई को परिवार सहित बेटी के पास गए थे। मेन गेट का ताला तोड़कर चोरों ने घर में से प्रवेश किया। अलमारी में से $1100 सहित 3 लैपटॉप तथा गहने चुरा लिए। यह घटना पता चलने पर पड़ोसी ने नागले को सूचना दी। उन्होंने नागपुर पहुंचकर प्रताप नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज, जांच आरंभ की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। MIDC परिसर से किशोरी हुई लापता। नागपुर में MIDC थाना परिसर में किशोरी लापता हो गई। 17 वर्षीय किशोरी 13 जुलाई की सुबह 11 बजे घर से रवाना हुई थी। इसके बाद से वह घर नहीं लौटी। खोजबीन करने पर उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने MIDC थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है, साथ ही जांच आरंभ की है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।